हेलो फ्रेंड्स, मीरास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पोहा मिक्सचर। ये बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है और लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड करके अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किए हो तो अपने फ्रेंड और फैमिली से शेयर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर अच्छे से फ्राई हो गया है। अभी गैस ऑफ कर लेते हैं। अभी भुना हुआ मसाला को चूड़ा के अंदर ऐड करके अच्छे से मिला देंगे। घर में अचानक मेहमान आने से हो या कुछ नमकीन खाने का मन करे तो ये पोहा मिक्सचर जड़ से बना सकते हो। पोहा मिक्सचर को इसी तरह एक बार घर में बना के टेस्ट कीजिए और कैसे लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी इसमें गोल मिर्च पाउडर 1/2 टेबल स्पून में 1 टेबल स्पून तेल को ऐड करके अच्छे से मिला देंगे और अच्छे से मिलाने के बाद चूड़ा में ऐड करके अच्छे से चूड़ा को मिला देंगे। उसके बाद ब्लैक सॉल्ट 1/2 टेबल स्पून ऐड करेंगे और अच्छे से मिला देंगे। देखिए, यहाँ पर अच्छे से मिल गया है। लास्ट में भुना हुआ मूंगफली 50 ग्राम और भुना हुआ चना दाल 30 ग्राम ऐड करके अच्छे से मिला देंगे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में रहने का बेल का बटन दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। देखिए, यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया है और हमारे पोहा मिक्सर रेडी हो गया है। अभी गैस को ऑफ कर देंगे और चूड़ा मिक्सर को एक बाउल में निकाल देंगे। इसको आप चाय के साथ हो या किसी भी टाइम पे आप एंजॉय कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।